हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान। जिला परिषद और ब्लॉक समिति के लिए 30 अक्टूबर को होंगे चुनाव। सरपंच और पंच के लिए 2 नवंबर को होंगे चुनाव। 8 अक्टूबर को होगा नोटिफिकेशन जारी। 14 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक भरे जाएंगे नॉमिनेशन। 20 अक्टूबर को नॉमिनेशन की होगी छटनी। 21 अक्टूबर को वापस लिए जा सकते हैं नॉमिनेशन। हरियाणा के 10 जिलों पहले चरण में भिवानी, फतेहाबाद, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नू, पंचकुला, पानीपत और यमुनानगर जिलों में होगा पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न पदों के लिए चुनाव में 30 अक्टूबर को होंगे जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के चुनाव। 2 नवंबर को सरपंच और पंच पद के लिए डाले जाएंगे वोट। सभी 10 जिलों के जिला परिषद, पंचायत समितियों और ग्रामीण क्षेत्रों में चुनावी आचार संहिता लागू। शहरी क्षेत्रों में लागू नहीं होगी आचार संहिता। SM स्कूल के छात्रों को पार्षद ने किया सम्मानित। शुक्रवार को खरखोदा के रामचौक में SM स्कूल में मेघावी ओलंपियाड प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं व विभिन्न प्रतिभा प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि पार्षद मोहन दहिया ने छात्र छात्राओं को मेडल, शील्ड व प्रमाण पत्र से सम्मानित किया व भविष्य में निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि पढ़ाई आगे बढ़ने का सबसे आसान तरीका है, इसलिए पढ़ाई से मन ना चुराएं, रुचि लेकर पढ़ाई करें और आगे बढ़ें। इस कार्यक्रम में इंटरनेशनल ह्यूमैनिटी ओलंपियाड में विशाल, लक्की, नंदिनी शर्मा ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। रोप जंप प्रतियोगिता में जय ने पहला, सुखविंदर ने दूसरा। इसी तरह से लड़कियों में हीना ने पहला व साक्षी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। रंगोली प्रतियोगिता में अभिनव व भूपेश ने पहला, विशाल व दक्ष ने दूसरा। मेहंदी प्रतियोगिता में रीतिका प्रथम व पायल दूसरे स्थान पर रही। इस मौके पर प्रिंसिपल सुनील कुमार, मैडम कंचन, कविता गीता, रेखा आरती बबली, रेनू व बरखा उपस्थित रही। नमस्कार जी, खरखोदा में रामचौक में स्वतंत्र पब्लिक स्कूल की तरफ से आज जो मेरे को मान सम्मान दिया गया है, उसके लिए मैं तहे दिल से सुनील प्रिंसिपल पूरे स्टाफ का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। और इस स्कूल का माहौल आज हमने यहां पर मौके पर आकर देखा, बहुत ही अच्छा शांत माहौल है। मेरे कार्यकाल में गांव वालों का बड़ा ही अच्छा सहयोग रहा, उस सहयोग के लिए मैं गांव वालों का बड़ा आभारी हूँ। हमारी पंचायत ने गुड़गांव वाली नहर में कनेक्शन कराया है। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।